तो बाद में मैं एक साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी, तो बी टाइम ही शुरुआत हो गई कॉम्पिटिशन एग्जाम। फाइनल ईयर के अंदर मैं मेरी तैयारी शुरू कर दी, सेल्फ स्टडी शुरू कर दी, तो IIM में सिलेक्शन हो गो। तो बड़ी खुशी की बात आ है कि नवंबर महीने में ही तीनों एग्जाम का रिजल्ट आया, IIM असिस्टेंट मैनेजर और JEE तीनों एग्जाम का रिजल्ट अभी आया। तो वो एक सोने पर सुहागा को काम होगा कि वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वापस भी पॉजिटिविटी और भी सकारात्मकता के साथ तैयारी कंटिन्यू रखो, और जो भी थारी कमी। अरे बुआ दो नौकरी कर रही है तो तन तीन नौकरी कर रही है, बा करके दिखा दी। क्लास में ही बच्ची सेलेक्ट हो गई, तैयारी तो कर रही क्यों है, 2018 में वैकेंसी आई और रिजल्ट अब 2021 में आए, तो बहुत लंबा इंतजार करना। राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है, और चैनल पर ते नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी को बटन है बिन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आओ तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहली थन मिले। और आज आप दो तहसील के अंदर एक गाँव आवे आकवा जो को सिकर के पास का ढाका की डाणी है, एक ढाका की डाणी का मान जी प्रिय दर्शनी ढाका, तो भी को जिया मतलब एक साथ तीन जी सरकारी नौकरी ही कोई बा कमान कंपटीशन दियो, तीन कमा एक साथ सिलेक्शन ही है, तो अपन भी प्रिय दर्शनी से मिल सियाँ और अपन बातचीत कर सियाँ कि कत्ता प्रयास के मायने जी मतलब सफलता प्राप्त हुई है। माने जगह पहली आवा है सहायक अभियंता और दूसरी आवा है सहायक प्रबंधक सहकारिता विभाग, और एक की प्रोसेस में चल रही है वह है JEE कनिष्क अभियंता, और एक RAS जिसकी प्रोसेस के अंदर है, बंको भी बहुत जल्दी रिजल्ट आना है। अब अपने साथ में है हमारी छोटी सिस्टर है जिसकी प्रिय दर्शनी ढाका, तो अपन भी से बातचीत करा ला और ठीक दोरी सफलता मिली है बातचीत, तो थे भी पूरी वीडियो देखो ला जब भी जानो ला। तो प्रिय दर्शनी जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मैं भी थानू बहुत बहुत बधाई दूँ कि तीन तीन परीक्षा का मैं मतलब एक साथ सिलेक्शन हुए, तुमको भी के लिए बहुत बहुत बधाई दूँ। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइम का मैं सफलता प्राप्त करी जी मैडम, देखो कंपटीशन की जबकि शुरुआत है बात, तो ट्वेल्थ बाद में मैं एक साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी, तो बी टाइम ही शुरुआत हो गई कंपटीशन एग्जाम्स तैयारी की। तो बी तैयारी के अंदर मेरे पहली गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुई, हेल्थ इशू होने की वजह से मैंने वापस से होम डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ो। भी मेरे फायदा होगा कि जबकि कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए जिसका क्वालिटीज होनी चाहिए कि भाई धैर्य होनी चाहिए, पॉजिटिविटी के तरीके से पढ़ना है, वह सारी क्वालिटी भी टाइम डेवलप होगी। फिर मैं 2012 से लेकर 2016 तक सिविल इंजीनियरिंग से मेरी बीटेक हुई, भी बीटेक में मैं फाइनल ईयर के अंदर मैं मेरी तैयारी शुरू कर दी, सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। फिर 2016 के अंदर मैं मेड जी जयपुर से तैयारी करी गेट की, तो मेरे गेट तो जहाँ हर साल लग गए, तो मेरी 2016-17-18 तीनों साल मेरी गेट क्वालिफाई होगी। फिर मैं हिस्ट्री से MA करी, और 2018 मेरी RAS और आज की सहायक अभियंता एग्जाम को नाम है RES राजस्थान इंजीनियरिंग सर्विस, ये दोनों एग्जाम की वैकेंसी एक साथ आई। तो भी टाइम मेरे कन्फ्यूजन होगा कि भाई मैं सहायक अभियंता की करूँ कि RAS की करूँ, उसी की तारीख नहीं चाहिए बस वाह मेरे समझ को नहीं आई। फिर सभी मना बोला कि भाई टेक्निकल फील्ड है तो तू IIM प्रायोरिटी दे, तो मैं IIM प्राथमिकता रख के तैयारी करी, मेरे को RAS को रिजल्ट पहले आ गो तो भी मेरे कुछ से सिलेक्शन को नहीं हो, कुछ पॉइंट से मेरे की लेकिन हाँ, लेकिन फाइनली मेरे IIM में सिलेक्शन हो गो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वही सब डिवीजन ऑफिसर पोस्ट मन मिली है। बी के बाद फिर आज की दूसरी पोस्ट है सहायक प्रबंधक सहकारिता विभाग, एक की वैकेंसी आई, तो मैं इम पोस्ट भी काफ़ी कमी ही राजस्थान में, मेरे को फॉर्म लगायो, इमें भी मेरा फाइनली सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात आ है कि नवंबर महीने में ही तीनों एग्जाम का रिजल्ट आया, IIM असिस्टेंट मैनेजर और JEE तीनों एग्जाम का रिजल्ट अभी आया। तो वो एक सोने पर सुहागा को काम होगा कि वही खुशी ही जिसकी तीन गुणी होगी, सब लोग ही खुशी है जी। मतलब मैं भी सुन रहा था मान भी चीज़ की बहुत खुशी है कि एक लड़की मतलब एक एक सिलेक्शन भी बहुत ही हार्ड हो रही है आज के टाइम को मां, तो तीन सिलेक्शन तो मतलब कोई छोटी बात को नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई एक साथ, मतलब सिलेबस भी तो अलग आ जाए ना सबको, या कोई कमाने अलग उठार कठिनों रख दे, कोई कमाने अलग ही लिया हो टॉपिक, जब बस चीज़ें भी कवर करना बहुत मुश्किल है। तो जी मतलब पाँच साल में और भी कोई कंपटीशन दी होगी? हाँ, फिर जी कि अकमान एक पेपर जीके को तो एक टेक्निकल को पेपर हो, तो फिर RAS की तैयारी करी, तो RAS में तो सारा टॉपिक ही आ जाए ही, कोई भी एग्जाम को है, पुलिस है, GAVTO है, सारा टॉपिक कवर हो जाए RAS में। तो फिर जितनी भी वैकेंसी आती मैं एग्जाम सारे की देती रहती, लेकिन अब जी भाई गजेटेड पोस्ट मिल गई तो फिर बाय एग्जाम को कोई मेंशन करवा को मतलब बने जी। तैयारी तो घर आ रहे थोड़ी करी होगी, 12 करी कैटेगरी हाँ तैयारी में जयपुर करी, टेक्निकल IIM की तैयारी में मैडी जयपुर से करी, और
आरएस की तैयारी में स्प्रिंग बोर्ड से करी। और सबसे एक जबकि मैं स्टूडेंट ने बात बतानी चाहूँ हूँ कि भाई था टाइम से पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे इतने लंबे स्ट्रगल को सबसे वीक पॉइंट हो ही रही हो कि मैं टाइम से पहले स्टार्ट कौन करो। फिर जबकि फाइनल ईयर के टाइम जबकि वैकेंसी अब भी सिलेक्शन हो जाओ तो हो जाओ, फिर दूसरी वैकेंसी आणमोर भी की प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 साल लग जाए। तो 2016 के अंदर जब मेरी फाइनल ईयर कंप्लीट हुई भी टाइम में जेएन की वैकेंसी आई, लेकिन मेरी भी टाइम अति तैयारी ही को नहीं, तो मैं भी दो नंबर से रहेगी। हाँ, दो नंबर से भी रहेगी और वह दो नंबर मेरा 5 साल ले बैठा। सही है, मतलब दो नंबर भी आज इसका 5 साल पीछे कर दिया। अगर थोड़ी सी तैयारी और होती तो वह दो नंबर और भी उसका भी टाइम सिलेक्शन हो जाता। लेकिन भी चीज को नुकसान तो वो ही हो कि भाई 5 साल मैंने स्ट्रगल करना पड़े, और दूसरा फायदा वो ही हो कि अगर पॉजिटिव सोच के आप स्ट्रगल करा, खुद पर विश्वास रख के एक दिन सफलता जरूर, तो वह भी कोई नतीजो है कि आज तीनों एग्जाम में एक साथ सिलेक्शन हुए है। अगर भी टाइम में जेएन नहीं मान लो मेरा अंतिम लक्ष्य मान लेती तो आज तक मैं इतनी जगह गजेटेड पोस्ट है शायद इतने को नहीं पहुंच पाती या और डाइवर्ट हो जाती। तो दूसरी बात मैं स्टूडेंट आ कहनी चाहूँगा कि अगर थारो कोई एग्जाम सिलेक्शन नहीं हो रहे, कुछ पॉइंट से चूक रहा हो, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वापस भी पॉजिटिविटी और भी सकारात्मकता के साथ तैयारी कंटिन्यू रखो। और जो भी थारी कमी रही है, लड़का में या लड़की कोई भी हो स्टूडेंट है, तो भी हुनर है तो वो कुछ करके दिखा। बिल्कुल, अगर हुनर है, खुद पर विश्वास है, घर का भी वहाँ पर विश्वास रखना चाहिए। कोई बच्चों रखो है एक दो पॉइंट से, तो अगर माँ बाप थोड़ी सी भी बात आ कर देंगा कि ठीक है बेटा कोई बात को नहीं, आर्थिक स्थिति है मैं देख लेंगे, मानसिक स्थिति है जो भी है मैं संभाल लेंगे, तो वापस तैयारी कर होगी, लेकिन कोई दिक्कत को नहीं, अब की बार हो जाएगा। हाँ, अगर माता पिता को विश्वास वहाँ पर है तो टाबर हिम्मत को नहीं हार सके। मेरे साथ आज चीज़ बहुत बढ़िया रही कि मेरे परिवार को जो सहयोग है, दोस्तों को सहयोग है, वो मेरे बहुत साथ रही हो। मम्मी पापा में सब अठे सिटी है, तो घर दादाजी चाची ही जगह पूरे फैमिली ने संभाली, तो अठे सिटी के अंदर रहने में कोई दिक्कत को नहीं हुई, मम्मी मेरे पर ध्यान दे सक्या। तो फैमिली को सहयोग होना तो बहुत ही जरूरी है, परिवार को मान लियो और है, बाकी एक बात भी अपन तो मजबूत बना दे है, कभी बात के कारण भी अपन और ज्यादा आगे बढ़ जाओ। हाँ बिल्कुल, जहाँ की जो भी रिजल्ट आता है एग्जाम्स तो मैं और भी दी, कोई एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंची, कोई फिर पॉइंट से रहेगी, बीच में कोरोना आ गो तो एग्जाम डिले होनो, आजकल पेपर भी बहुत लीक हुआ लगा, तो जो जेएन के एग्जाम है अभी को पेपर है वो लीक होके एग्जाम रद्द होगी। तो बार टाइम लास्ट जनवरी 20 की बात है, टाइम बहुत ही डिप्रेशन की बात है कि जेएन को पेपर रद्द हो गो अभी 2021, और जो को और रिजल्ट है आरएएस को वो आर्यू को नहीं हो, तो वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल टाइम हो भी क्या टाइम की लास्ट ऑफ जेएन हो वह भी रद्द होगी, और इनके रिटर्न एग्जाम है आरएएस और आरएएस दोनों, तो भी मार्क्स को बेरो भी कौन पढ़ सके, तो वो भी सस्पेंस उनको भी सिलेक्शन हो सी को नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो आप मार्क्स काउंट कर लें, तो वो भी मानसिक परेशानी भी काफ़ी हुई, लेकिन परिवार और दोस्तों के साथ की वजह से सहयोग से सफलता जरूर पाई, सबके सहयोग से। आप मतलब यहाँ कई बार पेपर मान लो लीक हो जाए तो बच्चों को हौसला तो ज़्यादा गिर जाए कि हर बार पेपर लीक हो रहे हैं तो आपको तो मतलब सिलेक्शन तो करना ही को नहीं होना, बहुत सा बच्चा ही यहाँ बात बोल रहे हैं कि भाई मतलब पेपर लीक होगा तो आप तो सफलता तो पाओ, हर बार हो रही है और जैसी है। तो देखो अब अपन गवर्नमेंट ने दोष दो बोले सिस्टम ने, जो भी हो कोई सिस्टम में एक चयन है तो अपन सीधो गवर्नमेंट ने भी कौन दोष दे इसका, बेरोनी भी चयन में खटे से पेपर लीक हुए है, तो बस चीज़ों पर आपको कोई अधिकार को नहीं, लेकिन पेपर लीक करने वालों भी कितना परसेंट लीक करेगा, अगर आप 100 नंबर आ रहे हैं पेपर में, 100 नंबर को पेपर है और भी मैं अगर आप 90 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो पेपर लीक करने वालों भी तो उतना ही करेगा, तो कसो तो पेपर लीक करने वालों भी कौन करे, तो आप अगर पूरी तैयारी से आप अगर पूरा मेहनत कर रहे हैं ना तो सिलेक्शन हो सी सफलता जरूर है। हाँ, तो पेपर लीक की जगह घटना ही यहाँ पर कम से कम ध्यान दे के खुद के मेहनत पर अगर आप ध्यान दे सें, आप आ सोच ना मन तो वही फर्स्ट रैंक के लिए पढ़ना है और फर्स्ट रैंक के लिए पढ़ना है तो 100 में से 90 क्वेश्चन सही करना उसे। हाँ, तो भी फिर वह पेपर लीक होना और बस चीज़ दिमाग में को नहीं आओगी, क्योंकि थान तो फर्स्ट रैंक के लिए पढ़ना है, अरबी के लिए थान भाई 90 क्वेश्चन सही करना ही। तो अगर पॉजिटिव पूरा आप रहेगा, खुद पर विश्वास रखांगा, तो ऐसे की चीज़ ही छोटी मोटी बात है, क्योंकि स्टूडेंट को एक कंट्रोल है, अब पेपर लीक हो रहे हैं आप क्यों कौन कर सका, एग्जाम एक्सटेंड हो रही है, बच्चा कह रहे हैं कि एग्जाम डेट आओ तो इससे पहले ही पूछ वो शुरू कर दें कि एग्जाम अति तारीख ना हो जाएगी कि कद आओगे, रिजल्ट कद आओगे, तो भाई इन आपस में डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, वो गवर्नमेंट को काम है, थारो काम हो पढ़नो और एग्जाम दे दो, थे भी पर ही ध्यान दो एग्जाम कद होगी, रिजल्ट कद आओगे, रिजल्ट क्या आओगे, बस इस थारी कंट्रोल में कोनी, कर्म करो फल की इच्छा। हाँ, फल की इच्छा मत करो। अब अगर थे एग्जाम डेट भी अगर थे डिसाइड करने लग गया तो फिर थे पढ़ोगा कद और बस चीज़ों पर लगवा तो बहुत ज्यादा
बेस्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो जो चीज़ है आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस करने के बजाय अगर पूरा हम अपने पढ़ने को जो चीज़ है सोशल मीडिया को कम से कम यूज करना है। क्योंकि आजकल के जब मैं तैयारी शुरू करी 2015-16 भी टाइम अता संसाधन को नहीं है, यूट्यूब चैनल वगैरह इतना को नहीं है, बस बुक्स ही और ऑफलाइन कोचिंग ही। अब के यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा होगा, तो जब तो आ कमी ही के चैनल हा को नहीं, अब आ कमी है कि संसाधन बहुत ज़्यादा होगा, तो कन्फ्यूजन है। अब स्टूडेंट का है एक वीडियो एक चैनल से देख रहे, दूसरा वीडियो दूसरी कोचिंग का चैनल से देख रहे, और पूरा कोर्स भी कवर को नहीं। हाँ फिर वो के अठिन बठिन भागता भागता वो पूरा कन्फ्यूज, लोगों पूछांगा वो उतनी राय देंगा, फिर आप जो खुद को अपनो उद्देश्य हो भी से भटक जाऊँगा। तो एक आए दो तीन चीज़ ही जगह ध्यान रखनी बहुत जरूरी। फिर जो को पढ़ने को तरीको है बिपुर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक हार्ड वर्क से को नहीं हुआ, स्मार्ट वर्क ज़्यादा जरूरी है कंपटीशन टाइम में। तो जो को जल्दी पढ़वा को तरीको है, आपकी हेल्थ को ध्यान रखना है, रिविजन बहुत जरूरी है, एग्जाम से पहले एक महीने पहले प्रॉपर रिविजन को शेड्यूल होना है। टेस्ट सीरीज वगैरह जिके आप हंध्या हाँ, तो टेस्ट सीरीज बच्चा घबरा जाए कि मेरे तो तैयारी को नहीं मैं टेस्ट दूँ, तो टेस्ट सीरीज को मतलब वो को नहीं है कि थारी बा मेन एग्जाम है थान भी मैं सोमा से नब्बे लेना है। टेस्ट सीरीज को मतलब वो है कि भाई थे जब दो तो थारे दिमाग को थे एनालिसिस करो कि एग्जाम के अंदर दिमाग किस तरीके से सोच रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पर आपने दिमाग क्या काम कर रहे हैं, आप ऑप्शन तो गलत नहीं भर रहे हैं, आपने जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही तरीके से एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि कई बार के वो कोई पर्सन है आपने ऐसा पहले देखते हैं फीलिंग आवे कि यार इको आंसर वो ही उसी, फिर आप ज्यादा दिमाग लगा के वो आंसर चेंज करते हैं। वो जो पहली आवे ना पहली बार फील आवे भी को मतलब है कि वो पर्सन आपको खटे ना खटे आज से एक दो साल पहले कोई से देखेड़ो है या कोई से सुनेड़ो है, तो बस सबकॉन्शियस माइंड से वो आंसर क्लिक हुआ है, फिर दूसरी बार आप के वो प्रेजेंट में पढ़ेड़ तो दिमाग लगा के और भी गलत कर लास्ट में। तो अपने ऐसी जो आप चेंज कर सियाने भी कमान मान लो कि 10 क्वेश्चन कर आप कमान 8 क्वेश्चन गलत ही जाए। हां अगर लास्ट में ऑप्शन आप चेंज कर रहे हैं ना दिमाग लगा के, तो मैं 10 में से 8 फिर गलत ही करके आओ आप, वो एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा के एक मेंटल ट्रिक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट पास आवन एग्जाम दे से कहीं बोलना कि मेरा तो ना जो दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गो बटे के बाद में ना जगह मन तो सारा क्वेश्चन है ना जगह उल्टा पुल्टा आएगा, बड़ा बोले यानी कि रेट का मान भी बहुत ज्यादा रेट में भी आए थे, तो जो मतलब अब भी है कि मान लो बाकी कमजोरी तो बस चीज़ की प्रैक्टिस से ही सुधार आवे कि पहले टेस्ट सीरीज देनी है एग्जाम से एक महीने पहले, अगर आपने जी की डाइट है हेल्थ है व मेडिटेशन करना है भी चीज़ पर भी प्रॉपर ध्यान देना है, एक महीने से पहले अगर हेल्थ सही होगी ना तो ही दिमाग सही से काम करे वो, तो नींद पूरी प्रॉपर लेनी है। एक 20 दिन पहले आपको नींद ले बोगी, मान लो एग्जाम को टाइम 12 से 3 बजे तक है, तो 20 दिन पहले ही थारो शेड्यूल यहाँ को होना चाहिए कि 12 से 3 बजे तक थे कोई टेस्ट सीरीज दे रहा हो, तो अगर 20 दिन तक दिमाग लगातार 12 से 3 बजे तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम वाले दिन भी वो थान लागेगा वो को नहीं कि मैं कोई एग्जाम में बैठे होंगे प्रेशर फील को नहीं होगा। तो आ एक प्रैक्टिस को बहुत मेजर रोल है आज की मैं बात बता रही हूँ, नब्बे बचायान का है जिसका एग्जाम टाइम मतलब हॉल में जब चलिया का ना जब भी वहाँ का बुक सीरीज बारह बकार जैसे अब एक बहुत बड़ी गलती है बहुत ज्यादा मतलब एक सौ बड़ी कमजोरी है। हाँ सौ बड़ी कमजोरी सोमा से नब्बे बच्चों की यही आदत है कि वह एग्जाम सेंटर के बारह तक आपकी बुक्स लेके जा रहे हैं, जो यहाँ के कोई गाइड है कोचिंग का नोट्स है पूरा बैग भर के ले जा रहे हैं। तो देखो एग्जाम वो पहली वह एक किस्मत की बात है कि देखेड़ती चीज़ आ जाए और देखनी भी चाहिए, लेकिन वो तरीको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ। मैं क्या करती मैं भाई मेरा 10 दिन पहले नोट्स बना वो शुरू कर देती, मैं एक 10 पेज ही जगह स्टेपल करती और बिम्स पढ़ता टाइम शॉर्ट नोट लिख देती कि भाई ये चीज़ ही है मेरे एग्जाम से 4 दिन पहले मैं लागती है मेन हुस्का मेन ही। हाँ तो वह एक 10 पेज को स्टेपल करके और कि अपन 5 दिन पहले देखनी, फिर एक मैं 3 पेज को स्टेपल करती कि 10 का मानो भी जबकि इंपॉर्टेंट चीज़ ही कि 3 पेज है ना जगह अपन एग्जाम सेंटर जस्ट पहले आधे घंटा अपन पहले पहुंचगा बी टाइम देख लो, बी टाइम में कौन सा डाटा लिखती जाए कि जनसंख्या का डाटा है वन संपदा का डाटा है जिसका अपन बोल सका भाई, बस बच जाए या कोई फॉर्मूला है मैथ्स का रीजनिंग का बस चीज़ में भी 3 पेज में लिख लेती, पूरी कंटेंट कौन लेके जाती बस वह एक पेज ही जगह मैं भी पेज ने मैं 5 दिन पहले ही बना लेती क्योंकि बेरो राफा कौन सी चीज़ बोल से कौन सी कन्फ्यूजन हो से। तो वो एक मैं स्टूडेंट सब ने कहना चाहूँ कि मैं पूरी बुक ने ले जाएँ इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लें। अब एग्जाम दी ही तो भी का मतलब रिजल्ट या लगभग लगभग एक साथ में ही आएगा हाँ या मतलब थोड़ा मतलब दूर या एक दो दिन का गैप्स आया या देख के जहाँ थाने क्या को महसूस या अपना रिजल्ट मतलब सिलेक्शन हुए गो या नहीं हुए गो बा एक चीज़ और बताओ। रिजल्ट मेरा तीनों एक साथ ही आया, मैनेजर को 12 ने आयो जेएन को 22 ने और आईएन को 27 ने रिजल्ट आयो।
तो भी टाइम जैन रिजल्ट के टाइम आ भी कि मैं रिजल्ट खुद कौन देखो, मेरा रिजल्ट भाई देखा है तो इनमें मेरा रोल नंबर दे रखा है कि तू आवाज रिजल्ट देख ले, ये सिलेक्शन हो जाए तो मन समझा दे। हाँ सिलेक्शन हो जाए तो मन बता दे। फिर वो शाम को रिजल्ट आया, मैं दोनों खड़ा वो बोले रिजल्ट आ गए, मैसेज है मैं बोल देख इकन हाँ ऑलरेडी रोल नंबर वो भी देखा अभी पीडीएफ में, वो ऊपर सर्च में अपना डाला बटे डाले, अब पीडीएफ में कुछ दिक्कत हुई है कि हुई कि मैं नीचे रोल नंबर दिखा कौन है, वो बोले तेरे तो कौन ही हो। मैं वापस भाग के गई एडमिट वापस चेक करूँ मैं रोल नंबर गलत होगा उसे। फिर मैं वो एडमिट लेके आई वापस रूम में आई, इतना वो वन बाई वन करके रोल नंबर चेक कर लिया, तो बोले भी सर्च में दिखो को नहीं तेरा सिलेक्शन हो गया और जनरल मेल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है टॉप रैंक के साथ। मैं कह जाना ठीक है। फिर आईएन के रिजल्ट में आईएन को जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर हो भी मार्क्स को कौन बेरो रहा है भी सीधे रिजल्ट आने रोल नंबर ही देखे। मैंने बोले भाई हो तो जैन को पेपर हो मन मार्क्स बेरो हुआ, अगर तो आईएन में यहाँ कह देंगे कि तेरा तो कौन नहीं हो मैं तो आग लो शब्द सुनने के लिए बचूंगी कौन नहीं। तो रिजल्ट के टाइम की बात की घबराहट है वहाँ वर्डिंग मैं तो नहीं बता सकूं लेकिन वो खुद ने फील करी भाई गलत चीज। हाँ और खुशी भी हुई थोड़ा सो अचंभो भी हुई हो क्योंकि जगह मेरे से बेटर पढ़ने वाला हाँ मेरे साथ काबा को कुछ कोई कई लोगों को योग नहीं। हाँ कहीं कोई योग नहीं तो भी टाइम जहाँ साथ को सबको हो जाए, हम मैं ग्रुप से पढ़ती मारे तीन चार जना को ग्रुप हो तो बामू अगर एक को भी नहीं हुए तो फिर बात थोड़ा सो तकलीफ भी हुआ है। मतलब यहाँ लग भी हुआ अपना अगर साथ कमाना पर पाँच चार जना अगर मिलर चाह रहे हैं तो सबको जा तो भी अलग भी खुशी। हाँ अगर ग्रुप का सबको हो रहे तो वह खुशी सारी बात है जो कि आप शेयर कर सकते। तो बामू लास्ट में जहाँ ज्वाइन कौन सी कृपा को है बार विचार ज्वाइन आईएन और मैनेजर दोनों ही गजेटेड पोस्ट है तो आम जो भी ग्राहक करने मिल जाएगी ज्वाइन तो भाई करूँगी पोस्टिंग ग्राहक ना जाएगी। मतलब प्रियदर्शनी का जो पापा जी यहीं पे अपन को नाटे मौजूद को नहीं आपकी ड्यूटी पर है जो लक्ष्मण सिंह जी डाका ही अपन बैठे मतलब बात तो करें यहाँ और बस मम्मी है अपना साथ में है तो अपन मम्मी से बात कर सियाँगे बेटी कत्ता दिनों तैयारी कर रही है कत्ता प्रयास कमाए सफलता कर ली और कत्ती मतलब खुशी हो रही है भी चीज़ के बारे में बात कर सियाँ। तो राम राम जी राम राम जी राम राम। तो अपनी बेटी को जब सिलेक्शन हुई हो तो मतलब कत्ताक दिनों इंतजार कर रहा है ते कत्ती मतलब थे कत्तोक सहयोग करियो बेटी ने पढ़बा के मायने रब्बा चीज बताओ। बच्ची ने पढ़बा में खूब सहयोग करियो लेकिन पहले प्रयास में ही बच्ची सिलेक्ट हो गई। तैयारी तो कर रही क्यों है 2018 में वैकेंसी आई और रिजल्ट अब 2021 में आए तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन पहले प्रयास में ही सिलेक्ट हो गई। तो इतना कहीं घबराहट तो होती होगी भाई कहीं भी सिलेक्शन हुए लोग को नहीं हुए लोग बस चीज़ें तो आती होगी ना। हाँ घबराहट तो वही कि भाई लंबो टाइम निकल जाए है कोरोना के कारण है सिलेक्शन कब रिजल्ट आसी सिलेक्शन हो सी न हो सी जना के कर शाम लग्यो का आज रिजल्ट आ रही है मान लो भैया ने भाई ने कोई ने भी यहाँ बोलिया वाला भाई को रिजल्ट आ रही है तो बहुत टाइम किया उनको महसूस करिए थे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ कह को नहीं सकूँ कह को करी मतलब एक फीलिंग गली भी चीज़ की मतलब ओपन में कोई आज के। हाँ यहाँ खुद यहाँ बता ही कोई पाया कि यहाँ एक मिनट पहले रिजल्ट आयो 14 नवंबर ने भाई मैनेजर की पोस्ट को तो भी दिन तो यह हुई कि रिजल्ट आए ही के यहाँ अपना आप में यहाँ कुछ बोल को नहीं पाया मैं। अच्छा अच्छा तीनों माँ बेटो हाँ मैं कुछ यहाँ बोल को नहीं पाया और दूसरो आयो रिजल्ट जना एकदम सुया खूब खुशी हुई। तीसरो आयो जना भी है बोलिया यहाँ देखता देखता इंतजार करता करता एक रात पूरी निकल गई 26 तारीख की कि अब्बासी अब्बासी सुबह 6 बजे बच्ची सोगी लाग रही रिजल्ट तो आ जासी मैं काम कर लाग गई फेरा हो गई अब रिजल्ट को नहीं आया। 27 तारीख ने इंतजार करता करता 7 बज गई 7:30 बज गई माँ आज भी को नहीं आवा जना फिर 9 बजे बेटो यहाँ फोन उठायो रिजल्ट बोले मम्मी जा चुपचाप रहे कि रिजल्ट देखियो देखियो जना कि हो मम्मी सिलेक्ट होगी भाई जना तानिया लगे हो लगा तो नंबर ले लियो जो 1 2 3 4 सबके माने सिलेक्शन आ जाए। हाँ जना खुशी हो रही आज अब खुशी तो खूब ही हो रही है कि भाई पहले ही तोल बन कर सका है पहले ही प्रयास में और तीन तीन के माने सिलेक्ट होगी। मतलब बुआ जी तो बुआ जी तो मैं बुलावा जना आया करें लेकिन आज बुआ जी अपन मौजूद मिल गया ठीक है अपन बुआ जी से भी दो बात कर सियांगे बुआ जी ने भतीजी की मतलब कितनी खुशी हो रही है जे मतलब खुशी तो अपन सब नहीं है लेकिन मतलब तन भी कितनी तो राम राम जी राम राम जी राम राम जी। अब थे तो मतलब अपने जे मतलब बेटी को सिलेक्शन हुआ अभी चीज़ की थनकत बताई है कोई जल्दी थोड़ी बता दी थान तो लेट ही बताई होगी नहीं देखो ए जी रिजल्ट आयो ना हाँ हाँ
रिजल्ट आयो ना ए तुरंत मैं फोन तो कर दियो हाँ। लेकिन मैं कोई मेरा फ्रेंड ही भी कैसा के फोन पर बात कर रही अठे अच्छा। नो फोन पर फोन आ रहे ते अटेंड क्या कर आपस बात भाई लिखन लाग रही अब मैं भाई लिखन लाग रही मैं अटेंड क्या के कर रही पर मैं ये अंदाज यहाँ लगायो कि भाई कह के शाम को सो जना फोन करे अगर कि भाई तेरा जी खुशी हो गई जब मैं मुको ठीक है आप कह दे सकें मेरा जी खुशी हाँ मैं तो मौज में हाँ सो जाओ फिर तुरंत मैं फोन करने लगे भाई को सिलेक्शन होगा बस अब तो 20 दिन मन यहाँ लागो कि पूरा ना सोया को नहीं ना सोना का मतलब भी कोई नींद आई को नहीं बाद में तो सोना को तो काम ही कोई पक्षियाँ मान लो कि जी कान के माँ यहाँ खबर आई कि सिलेक्शन होगो तो मन आज यूँ हो कि तारा ही कैसे धरती पर आ रही अच्छा, आज भी मतलब मेरे जीवन में तो इतनी बड़ी खुशी पहली बार आई है मैं जिले के माँ फर्स्ट रैंक पर ही जिले का माँ मेरी फर्स्ट रैंक की तो मन बड़ी खुशी हुई कि आप आज फर्स्ट रैंक के ऊपर टाइम थोड़ा पहले ही होने मेहता का यार इंटरव्यू जरूर लेता था मन भी टाइम बड़ी है क्योंकि आप फर्स्ट रैंक पर आ आज आप दो नौकरी कर रहे हैं तो मैं गुड्डू ने कहो कि देख तेरी बुआ दो नौकरी कर रही है तो तन तीन नौकरी कर रही है बा करके दिखा मतलब दी था कि मन की बात छीन ली हाँ मेरी बात छीन ली और मेरे सपनों भी पूरा कर दिया कि भैया तीन के बाद सिलेक्शन करके दिखा दिया तो बड़ी खुशी हो रही है अपनी बेटी भी के साथ कमान भी की छोटी सिस्टर है सो ज़्यादा खुशी इन्नी हो रही है बहुत ज़्यादा खुश है मैं जद से देख दी जद से हंस रही है तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब पे थैंक यू तो मतलब दीदी की जो मतलब सरकारी जो सिलेक्शन हुआ है दो चार तो भैया मान कितनी खुशी हुई होगी मैं तो हंसती देख रही हूँ आज मेरे को तो बहुत खुशी हुई है और मेरे को लग रहा है कि मेरा गाइडेंस घर पे ही हो गया है अब अच्छा, अच्छा। और मेरा नेक्स्ट टारगेट आ रहा है ऐसा है अच्छा। एक मतलब एक अलग ही तरीके की शिक्षा मिल गई कि अपन इस आबू जुड़ जाना चाहे थे हाँ अब हमें कोचिंग जाने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा गाइडेंस घर पे ही हो गया है कोचिंग वगैरह सब बहुत अच्छा लग रहा है हमारी दीदी जॉब लगी है सीख लाग रही है एक माते तारा सुझाव जरूर दीजो और आपने मतलब आपने जो लड़की है अति मेहनत सो पहला प्रयास कमाए सफलता प्राप्त कर ली अन टाइम जरूर लागो 5-4 साल क्योंकि कभी कोरोना आएगो है कभी एग्जाम का रिजल्ट है जगह लेट होगा ही तो पहला प्रयास कमाए सफलता करिए को मतलब अन ये को नहीं भाई एकदम से थोड़ा सा टाइम कमाए नहीं नॉर्मल पढ़ाई करे कोई कमाए सफलता करिए नॉर्मल तो मतलब कोई कोई को नहीं उसका सिलेक्शन है बाकी जहाँ आपका यह विचार हा कई तरीका से पढ़ रहे हाँ वह चीज़ थाने सारी चीज़ बता दी है तो जहाँ पढ़ो तैयारी करो तो आकी गाइडलाइंस की थे सुनी सुन सो या सुन लियो भी के बाद में ही थे भी साबु जुड़ जाओ का अपन ई साबु तैयारी करनी है तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी थाने सफलता के लिए भी थाने बहुत बहुत बधाई हो और आगे भी थे मतलब हर सफलता प्राप्त करता रही जो मेरे भी थाना आशीर्वाद है थैंक यू मैडम और जो भी देख रहे हैं आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी एस के संदेश यूट्यूब चैनल का इन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू करवाने का ये मौका प्रदान किया इनका चैनल जो इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जो भी आपके गाइडेंस है आप मुझे पर्सनली मेरी जो फेसबुक आईडी है प्रियदर्शना सिंह उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर अगर आपका प्यार बहुत मिला तो इन्हीं के चैनल पर अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जो भी आपके कमेंट हैं जो भी आपको गाइडिंग के लिए कुछ चाहिए वो आप इन्हीं से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड